शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर अक्सर दो पक्ष खड़े हो जाते हैं। एक कहता है सही है, दूसरा कहता है गलत है। श्रावण के समय तो यह बहस और बढ़ जाती है क्योंकि तब दूध और जोरों शोरों से चढ़ाया जाता है। कई इन्फ्लुएंसर्स ने इस विषय पर वीडियोस बनाए हैं, फिल्मों में भी इसकी बात की गई है, हर तरफ से कई तर्क दिए जाते हैं। तो क्या शिवलिंग पर दूध चढ़ाने में सच में कुछ गलत है या ये बस हिंदुओं के देवी देवताओं को निशाना बनाने की साजिश है? तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया, पर दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला कर। आमतौर पर यही बात सुनने में आती कि भाई ये जो शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हो उसके बजाय किसी गरीब को दे दो, जो कि अपनी जगह ठीक है, लेकिन भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, अपनी कमाई का अगर कोई हिस्सा उन पर खर्च कर रहे हैं तो आप सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? भाई साहब ये वही लोग हैं जो 450 रुपये केक लेते हैं, मुँह चपोड़ लेंगे, काटे वाटेंगे नहीं, फिर आज सोशल मीडिया पर ज्ञान देते हैं कि दूध मत चढ़ाओ। बात तो ये भी सही है कि किसी को बाधित नहीं किया जा सकता कि वो अपने पैसे किस प्रकार से खर्चा करे और क्या नहीं करे। अधिकतर लोग जो दूध चढ़ाने के पक्ष में होते हैं उनका यही कहना होता है कि भाई हमारे पैसे और हमारी श्रद्धा है। फिर आते हैं वीगन लोग, जिनका कहना कुछ और ही है। वीगन्स वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई भी पशु पदार्थ नहीं लेते, जैसे अंडा, दूध, शहद, मांस, चमड़ा वगैरह। शायद आपने इस साल ईद के पहले ट्विटर पर बैन बकरा ईद ट्रेंड होते हुए देखा होगा। इसकी शुरुआत वीगन लोगों ने की थी और साथ में गो वीगन भी ट्रेंड हुआ था। तो इनका कहना है कि दूध के पदार्थों का न केवल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बल्कि किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करने से हम गाय भैंसों के शोषण और उनकी हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? वेल, कई मुद्दे हैं जिनमें सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भधान का। इसमें होता यह है कि एक गाय या भैंस के पीछे हाथ घुसाया जाता है और फिर एक छड़ी जिसमें सांड का वीर्य होता है वो उसकी योनि में घुसाई जाती है और उसे प्रेग्नेंट किया जाता है। वीगन लोगों का कहना है कि ये गलत है, हम हमारे स्वार्थ के लिए उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार से यौन उत्पीड़न सेक्सुअल अब्यूज है। और ये तब करवाया जाता है जब 10-11 महीने का दूध का साइकिल पूरा करके गाय या भैंस जो है दोबारा कॉल करती हैं प्रेगनेंसी के लिए, और वो कॉल करती हैं बोल के 3-4 दिनों तक। इसके जवाब में कहा जाता है कि जब वो गाय या भैंस स्वयं इस चीज के लिए तैयार होती है और वो चाहती है कि हो, तभी तो हम उसका कृत्रिम गर्भधान करते हैं। इसमें कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं हो रही। जैसे औरतें करवाती हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसे ही जानवरों में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। लेकिन ये बात दरअसल झूठ है। आज की तारीख में दुनिया में जितने भी मैमल्स यानी स्तनधारी जीव हैं, अगर उन सभी का हम वजन करेंगे तो 70% वजन केवल गौवंश और सुअरों का ही है। इसमें जंगल के सभी स्तनधारी जीव और इंसान भी शामिल है, तब भी 70% वजन केवल गौवंश और सुअरों का ही है। ये बात किस एंगल से प्राकृतिक है? हम अपने दूध की डिमांड को पूरा करने के लिए उन्हें जबरदस्ती इतनी ज्यादा संख्या में पैदा करवाते हैं। फिर भैंस 10-12 साल में दूध देना फिर बंद कर देती है, बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, तो फिर वापस से कसाई को दे। हाँ, बूढ़ी हो जाती है जब वो बच्चे पैदा करना बंद कर, तो उसका भी वही ऑप्शन है, वही कसाई के पास। लगातार 5-6 बच्चे पैदा करने के बाद जब उसे और बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, तब डेयरी वाले उस गाय या भैंस का क्या करते हैं? वो उसे कसाई को बेच देते हैं। जितनी भी गाय और भैंसें भारत में काटी जा रही हैं, वो सब की सब डेयरी वालों ने ही कसाई को बेची है। ये सारा बीफ दूध उद्योग से निकली हुई गाय भैंसों का ही होता है। गाय भैंसों को आमतौर पर 8-10 साल का होने पर ही बेच दिया जाता है, जबकि ये जानवर 20 से भी अधिक सालों तक जिंदा रह सकते हैं। उसको अगर भैंस हो गई बछड़ा तो वो आगे जाके दूध देने लग गई, पर अगर उसको नर बछड़ा पैदा हो गया उसका क्या करते हैं? अब उसके लिए क्या है कि अभी तो मान लो ऐसा समय चल रहा है कि अब तो हाँ वो खेती किसानी में यूज नहीं हो रहे, ट्रैक्टर वगैरह आ गए, नहीं पहले तो मान लो खेती किसानी में यूज हो जाते थे, अब तो उनका बस एक ही ऑप्शन है कि बस कसाई के पास भेज दे। नर बछड़ों को भी कसाई को बेच दिया जाता है क्योंकि वो ना ही दूध देते हैं और ना ही किसी और काम आते हैं। दूध के उद्योग से निकालकर हम इतने ज्यादा जानवरों को हर साल मारते हैं कि पूरी दुनिया में हम बीफ एक्सपोर्ट करने के मामले में 4th नंबर पर हैं। पर क्या भारत पर गौहत्या बैन नहीं है? द बुल काफ और द काऊ वी डू नॉट एक्सपोर्ट, बट हाउएवर इन द वेस्ट देयर इज एन एक्सप्रेशन कॉल्ड कारा बीफ which is used for buffaloes. The buffaloes are permitted, we can export buffaloes. भैंसों को मारने और उनका मांस दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध केवल गायों की हत्या पर है, जिसके आगे हम बात करेंगे। लेकिन जहां तक शिवलिंग पर दूध चढ़ाने और खुद भी दूध के पदार्थों का इस्तेमाल करने की बात है, तो भारत में 60% से ज्यादा दूध केवल भैंसों का आता है। तो संभावना यही है कि आप खुद भी भैंस का ही दूध इस्तेमाल कर रहे हैं और शिवलिंग पर भी उसी भैंस का दूध चढ़ा रहे हैं जिसके बछड़े को तो मार ही दिया गया है
और कुछ सालों बाद उसे भी मार दिया जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्तर प्रदेश में होता है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सबसे ज़्यादा भैंसों का मांस भी यूपी में ही तैयार होता है। भारत में हर दिन लगभग 1,00,000 भैंसें मारी जाती हैं, यानी हर साल 3.5 करोड़ से ज़्यादा भैंसें मारी जाती हैं। ये सब की सब दूध उद्योग से ही निकलती हैं। गायों की बात करें तो उन्हें मारने पर अधिकतर राज्यों में प्रतिबंध है, लेकिन कुछ राज्यों में नहीं है। अब किया यह जाता है कि जिन राज्यों में प्रतिबंध है वहां से गायों को ट्रक्स में भर भर कर उन राज्यों तक पहुंचाया जाता है जहां उन्हें आसानी से मारा जा सके। यही वो सब गायों से भरे ट्रक्स होते हैं जो आपको न्यूज और वायरल वीडियोज में दिखाई देते हैं कि फलाना ट्रक इतनी गायों के साथ वहां पर पकड़ा गया। ये वही गायों से भरे ट्रक्स है जिन्हें दूध के व्यापारियों ने कसाई को बेच दिया है और अब उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर के मारने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान तक में अलग अलग तरीकों से गायों की तस्करी की जाती है। अनुमान है कि भारत से केवल बांग्लादेश में ही हर साल लगभग 2,000,000 गायों की तस्करी की जाती है। अगर ये सब हमारे दूध पीने के कारण हो रहा है तो आज तक ये बात न्यूज़ पर क्यों नहीं है? इस बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोलता कि रोज 1,00,000 से ज्यादा दूध के जानवर मारे जाते हैं। दूध और बीफ के इतने बड़े कनेक्शन के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। जरूर हमसे बातें जानबूझकर छुपाई जा रही है। हमारी ही संस्कृति का हवाला देकर, हमारे ही श्री कृष्ण की तस्वीरें हमें ही दिखाकर हमसे एक ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करने को कहा जा रहा है जो श्री कृष्ण के प्रिय गौवंश की बिल्कुल कदर नहीं करता। शिवलिंग का बोलकर हमें पशुपति नाथ पर पशु क्रूरता से भरे हुए दूध को चढ़ाने को कहा जा रहा है। क्या इतनी बड़ी बात पर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह कुछ नहीं बोलते? तो भाई साहब, बच्चों जैसा पालते हैं हम इनको, ठीक है, बच्चों जैसा। हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से डेयरी के धंधे का मॉडल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 भैंसे हैं, उन 10 भैंसों को आपने गर्भवती करवाया और उनके 10 बच्चे हुए, फिर आपने उनका दूध निकाला, अगले साल फिर यही किया और ऐसा करते करते अगले 9 सालों में आपके पास 100 जानवर हो जाएंगे। आपको शुरुआत में केवल 20 जानवरों का ही ख्याल रखना पड़ रहा था और आपको 10 से दूध मिल रहा था, लेकिन आज आपको ख्याल रखना पड़ेगा 100 जानवरों का और आपको दूध मिलेगा 10 का ही। अगर आपने हर साल नहीं, हर दूसरे साल भी बच्चे पैदा करवाए तो भी आपके पास 100 के बजाय 50 जानवर होंगे। अब बताइए कि क्या आपने किसी भी डेयरी फार्म पर 50 जानवर खड़े देखे हैं जिनमें से आधे से ज्यादा नर हैं या बूढ़े हैं? यानी 50 में से 25-30 तो दूध देते ही नहीं, बस केवल बैठकर खाते हैं। दूध का धंधा जितने ज्यादा साल चलेगा उतना उसका खर्चा बढ़ता जाएगा, लेकिन कमाई नहीं बढ़ेगी। तो अगर कोई कहता है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्रूरता नहीं होती, हम तो गाय भैंसों को बड़े प्रेम से आखिरी तक रखते हैं, तो वो 100% झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि वो खुद कसाई को ना बेचता, वो 5-6 बच्चे पैदा करवा कर कसाई को बेचने के बजाय 1-2 बार ही प्रेग्नेंट करवा कर किसी दूसरे दूध के व्यापारी को बेच देता हो, जो 3-4 बार फिर प्रेग्नेंट करवा कर आगे कसाई को दे देता हो। पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है? अंत में तो उसके द्वारा पैदा किया हुआ जानवर कसाई खाने में कट ही रहा है ना। यदि इतना ही किसी को विश्वास है कि वो अपने बच्चों की तरह इन्हें रखता है, तो हो जाने दे 10 से 50, 50 से 100, 100 से 200। बेचना ही क्यों है, किसी दूसरे को देना ही क्यों है? देना और बेचना इसलिए है क्योंकि दूध का धंधा बिना बूढ़े जानवरों को मारे नहीं हो सकता। इसके अलावा कई इन्फ्लुएंसर्स और दूसरे लोग भी अपनी क्षमता अनुसार गौ सेवा करते हैं। वो सड़क पर घायल गायों को बचाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं और गौशालाएं तक खोलते हैं। इस चीज का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, ये बहुत ही नेक काम है और इस तरह के काम में बहुत ही कम लोग अपनी समय और ऊर्जा लगाते हैं, तो ये काम पूरी तरीके से सम्मान के योग्य है। लेकिन ये काम आवारा पशुओं और जानवरों पर होने वाली क्रूरता का स्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली तो बात, ना ही गौशालाओं में और ना ही सड़कों पर आपको भैंसे कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो तो सीधे ही कसाई को बेच दी जाती हैं और काट दी जाती हैं। जैसा हमने देखा, हर दिन लगभग 1,00,000 भैंसे भारत में काटी जाती हैं। तो अगर आप एक तरफ गौ सेवा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप दूध, दही, छाछ वगैरह का सेवन कर रहे हैं, तो क्या आप उन 1,00,000 जानवरों की हत्या में योगदान नहीं दे रहे हैं? उन्हें कौन बचाएगा? दूसरा, अगर केवल गायों की ही बात करें तो जितनी भी गायें भारत में मरती हैं उसकी 5% भी गौशालाओं में नहीं होगी। और इसका कारण ये नहीं है कि गौशालाओं में फंडिंग की कमी है या उनमें व्यवस्था की कोई समस्या है, इसका सीधा सा कारण है संसाधनों की कमी। पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं और गाय भैंसों की संख्या ही इतनी ज़्यादा है आज की तारीख में कि उन्हें हम चाहकर भी गौशालाओं में नहीं रख सकते, उन्हें चाहकर भी जिंदा नहीं रखा जा सकता। जैसा हमने देखा, भारत से केवल बांग्लादेश में ही हर साल 2,00,000 गायों की तस्करी की जाती है। अगर किसी तरह से उन्हें बचा भी लिया जाए तो हर साल 2,00,000 गायों को कहां रखेंगे? उनकी संख्या ही इतनी ज़्यादा है, वो पैदा ही इतने ज़्यादा करवाए जा रहे हैं कि उन्हें जिंदा रख पाना और उनका जिंदगी भर तक ख्याल रखना, उन्हें खिलाना, उनकी देखभाल करना असंभव है। दोहरा रहा हूँ कि गौ सेवा या दूसरे जानवर की सेवा बहुत ही अच्छा काम है। किसी पीड़ित पशु का दर्द आपने कम कर दिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? पर यदि इस समस्या को जड़ से खत्म करना है तो वो बिना दूध को रोके नहीं हो सकता। हमें दूध चाहिए, इसलिए इतने सारे जानवर पैदा करवाए जाते हैं, और चूंकि इतने सारे जानवरों का ख्याल रख पाना असंभव है,
इसलिए इन्हें फिर कसाई को बेच दिया जाता है। गौशालाएं और सेंचुरीज हमारे तभी काम आ सकती है जब गाय भैंसों की संख्या सीमित हो, और इनकी संख्या कम तभी होगी जब हम दूध की डिमांड कम करेंगे ताकि व्यापारी लोग इन्हें पैदा करवाने ही कम कर दें। पहले के समय खुले मैदान थे, हमारी जनसंख्या कम थी और चारों ओर जानवर और जंगल थे। खिलाने का कोई खर्चा नहीं क्योंकि सब तरफ पेड़ पौधे और घास, और बूढ़े हो जाने पर कोई चिंता नहीं क्योंकि चारों ओर जंगल। पहले की परिस्थितियां आज से बहुत ज्यादा अलग थी, इसलिए पहले के समय में दूध का खुद इस्तेमाल करना या शिवलिंग पर चढ़ाना जायज होगा, लेकिन आज की तारीख में जो दूध आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो और खुद भी जो दूध अपने घर पर इस्तेमाल कर रहे हो, वो रोज गाय भैंसों की हत्या का कारण बनता है। बात शायद अभी खत्म नहीं हुई है, हो सकता है आपके मन में और सवाल हो कि अगर हमने दूध छोड़ दिया तो उन जानवरों का क्या होगा, या जिन लोगों का व्यापारी दूध पर टिका है उनका क्या होगा। इन विषयों पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं जो यूट्यूब पर फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक शेयर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।